यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन न्यूज के साथ मैं हूं गुलाब बलोच और मेरे साथ हैं मोहम्मद ताहा। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि नए पाकिस्तान से मुतल्लिक मेरा विजन है, मैंने रियासत मदीना की बात इंतखाबात से पहले नहीं की थी, कहीं लोग ये ना समझें कि मैं मजहब के नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐवान सदर इस्लामाबाद में अकलीतों के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ लोग मजहब के नाम पर अपनी सियासी दुकान चमका रहे हैं। इत्तिलात के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि इरफान सिद्दीकी निज़ाम के उन नकायस का शिकार हुए जिनकी दुरुस्तगी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पुरअज़्म हैं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इरफान सिद्दीकी के मामले पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उसका नोटिस लिया है। वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर अली जैदी ने कहा है कि कश्मीर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की पेशकश पर भारत सरकार बेनकाब हो गई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत मसला कश्मीर हल नहीं करना चाहता, आलमी दबाव इतना होगा कि भारत तनहा हो जाएगा। साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के हवाले से बताते चले कि उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हुकूमत हफीज शेख को भी जेल में डाले और पूछे कि हजारों करोड़ों रुपए कहाँ गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक आसिफ जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस की समाअत हुई। मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार रहनुमा राणा सनाउल्लाह को जुडिशियल रिमांड खत्म होने पर लाहौर की इंसदादे मंशियात की खसूसी अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायद हिजब इख्तलाफ मियाँ शबाज शरीफ ने अदालत के अहाते में राणा सनाउल्लाह से मुलाकात की। शबाज शरीफ ने गिरफ्तार नून लीगी रहनुमा राणा सनाउल्लाह को गले लगाया, उनके साथ कुछ देर बैठ कर गुफ्तगू की जिसके दौरान उन्होंने राणा सनाउल्लाह की खैरियत दरियाफ्त की और ये भी पूछा कि इनके साथ जेल में कैसा सलूक रवा रखा जा रहा है। अमरीकी एथलीट दलीला मोहम्मद ने खवातीन की 400 मीटर रेस में नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दलीला मोहम्मद ने खवातीन की 400 मीटर हर्डल रेस 52.20 सेकंड में जीत कर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमरीकी ओलंपिक चैंपियन दलीला मोहम्मद ने यह रिकॉर्ड US ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में अपने नाम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड रूसी एथलीट यूएलए चैंपियन कीना के पास था जिन्होंने 2003 में 400 मीटर की हर्डल रेस 52.34 सेकंड में जीती थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।